मुआ की गोजी मार के छो गया मेरा। ये हो गए तैयार घर जाने के लिए, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आ रही है वहां पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार पैरा, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मामू अभी मामू लोग आने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ दुकान में। किसके साथ? पापा के साथ। क्या लेने के लिए? तो कहाँ के पता चल जाएगा? दुकान में पता चल जाएगा मुझे। अच्छा चलो फिर जाओ, तब तक बाय, जल्दी आना। हाँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुबह संध्या, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और बच्चे गए थे ट्यूशन जो आ चुके हैं और लोगों गए अभी अपने पापा के साथ घूमने के लिए आते ही। और गुंजन और मैं जा रहे हैं अभी चक्की में आटा लेने के लिए और हस्बैंड जो है पैसे रख के गए हैं, तो चक्की में जाते हैं और आटा वाटा लेके आते हैं। और आज ना मेरे मायके वाले भी आने वाले हैं और आज नमन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए और गुंजन से भी खुश हो रखी है और मेरी मम्मी भी आ रही है। सबसे स्पेशल तो मम्मी आ रही, क्योंकि मम्मी की ना बहुत दिनों से बहुत याद आ रही थी। एक कब गई थी? जून से। अभी मिल रही हूँ मैं मम्मी से और मम्मी की ना सबसे ज्यादा याद तो मम्मी की आती है, मम्मी और पापा की, नानी की याद। तो फिलहाल तो हम दोनों आटा लेके आते हैं और दरवाजा तो खोल के जा रहे हैं, वो लोग भी आएंगे ना तो बैठे रहेंगे अंदर। हम फटाफट से ना आटा वाटा लेके आते, क्योंकि ना शाम के टाइम में ही मैं देख के आई हूँ अभी और उन्होंने पीस भी दिया होगा, तो फटाफट से लेके आते हैं। उनसे पहले आने की कोशिश करेंगे घर, अभी तो दूरी होंगे क्योंकि 3 बजे ना वो अल्मोड़ा थे, 4-5-7 बजे तक पहुंच ही जाएंगे लग रहा है मुझे। तो फटाफट से गुंजन और मैं भी जाके आते हैं चक्की में और से तो आटा ही लाते। चलो फिर चलते हैं, लाइट अपनी आप रहती है खुली ना, और मेरा दुपट्टा है वहां पे ला देख। चलो और भी सामान लेके आना है, लाइट ऑन ऑफ नहीं करती क्योंकि संध्या का समय है ना, तो लाइट ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। बाहर का भी खो देते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं चक्की में। तो देखो चंदा मामा भी आ गया है और गुंजन जा रही आगे आगे और हम ना शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं। कहाँ गिगनो, रुकना मुझे भी। और देखो अभी भी ना लाइट से जले हुए हैं गलियों में, कई कई घरों में तो खोल दिए हैं लेकिन कई कई घरों में अभी भी लाइट से चमक रहे हैं बाहर से। चलो बस हम लोग पहुँच चुके हैं चक्की में और अभी ना गेहूँ पीसते हैं, तब तक ना मैं चीनी और चाय पत्ती ले लेती हूँ क्योंकि चीनी और चाय पत्ती भी ना मेरी खत्म हुई है, तो चीनी और चाय पत्ती रख लेते हैं हम यहाँ से। और कुन्नू क्या देखिए किस में जा रहा मन है? किस में जा रहा है मन तेरा गुन्नू? और चाय पत्ती दे दो भैया एक। तो गुंजन यहाँ से खरीद रही है चौको भाई जो रख लिया है उसने, दो, एक लक्कू के लिए एक अपने लिए। यहाँ पे ना गुंजन मुझे चौको भाई चखा रही है और ये काफी ना टेस्टी हो रहा है। आटा भी ले लेते हैं यहाँ से फिर चलते हैं हम। यहाँ पे ना लक्कू और लक्कू के पापा भी पहुँच चुके हैं घूम फिर के। कहाँ से घूम के आए लक्कू? लो चलते हैं, आटा तो हस्बैंड जी ले गए, लाए सामान मुझे दे दे। नो चलो पापा चले गए, चलो लक्कू चलो को घर जाके खाएगा। चलो नमक, अरे चलो लोगो पापा के साथ जा। हाँ चप्पल अच्छी तरह जाना फिर है। तो गैस अभी समय है 7:37 का और मेरा यहाँ पे बन रहा है रात का खाना। रात के खाने में बन रहा है भिंडी की सब्जी और मिक्स सब्जी जो मैंने बना ली है, और थोड़ी देर में ना मैं रोटी बनाऊंगी। उससे पहले मैं खा लेती हूँ केक और पास्ता, क्योंकि आज से दीदी का बर्थडे नीचे हमारे मकान मालकिन का, तो उन्होंने ना केक और पास्ता भेज रखा है, मुझे पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे है करके, तो मैंने उनको सुबह से ना विश भी नहीं किया। तो अभी ना ब्लॉग देखेंगे तो ब्लॉग में ही बोल देती हूँ दीदी हैप्पी बर्थडे और थैंक यू सो मच केक ऊपर भेजने के लिए। और मम्मी लोग ना अभी नहीं आ रखे हैं, मैंने 6 बजे कॉल किया था उनको तब वो वहाँ पहुँचे थे, शायद 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक ना मैं रोटी वोटी भी बना लूँगी। और तो गैस ना मम्मी लोग भी पहुँच चुके हैं और मैं जा रही हूँ नीचे और मेरे बच्चे तो आधे दौड़ गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ।
तो गए फाइनली ना, जब हमारे वहाँ आ गया है और मेरे बाजू में है और छोड़ रखा है मेरे साथ, उसको ना अंदर ले जाते हैं। और तो गैस मैं ना नम्मू को लेके आ गई हूँ और मम्मी लोग ना पीछे से आ रहे हैं। ये छोया है, अभी छोया है बुआ की गोदी में आके छो गया मेरा जुगू, मेरा जुगू। पापा ने जैसे चाचरी लगाई वैसे देखो कितने आंख दिखा के वो आना मना वो कलाई लो या बुआ की वहां आ रहा हूं मैं, बुआ की वहां यहाँ पे लकु गुन्नू देखो कितने खुश हो रहे हैं और इंतजार कर रहे थे सुबह से ना, गुन्नू के साथ बात भी करने लग गया ये है। तो चलो जी मम्मी लोग भी पहुंच चुके हैं और अब मैं ना पानी देती हूँ। आजकल तो मैंने फ्रिज में रखा नहीं है पानी क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया, तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, केटली में रखा है पानी इसमें। तो पानी वानी देती हूँ फिर खाना वाना फिर खाएंगे। अभी रोटी नहीं बना रहे हैं, रोटी बनाएंगे ना इसके बाद खाएंगे। पापा को ना ज्यादा ही प्यास लगी थी, पापा किचन में आ गए पीने के लिए, माँ के लिए नीचे ले जाते। तो चलिए जी मम्मी लोग भी आ चुके हैं और उनको तो हमने चाय पानी भी दे दिया है और अब खाना बनाते हैं। सब्जी तो मैंने पहले ही बना लिया था, भाई को चावल खाने थे तो चावल भी खाए यहाँ पे और आटा भी गूंथ दिया है, तो रोटी बनाती हूँ फिर थोड़े से गप सप मारेंगे मम्मी लोग के साथ। पहले मैं रोटी बना के खाना तो मैंने ना खाना वाना भी बना लिया है और खाना वाना बना के ना मैं यमुन को पकड़ रही हूँ, अब खाना वाना खाते हैं। और ये छो भी नहीं रहा है, ये छो भी नहीं रहा है ये तो चलो जी हम भी खाना खा लेते हैं। और खाने में है सब्जी और भिंडी की सब्जी और दही और थोड़ा सा चावल भी बनाया हमने और थोड़ी सी रोटी, बाकी लोगों ने तो खा लिया, बस हम ही लोग बचे, हम लोग भी खाते हैं। हेलो गाइस, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक कल की ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी समय हो रखा है सुबह के 6 बजे का और हस्बैंड जी हो रखे हैं घर जाने के रेडी, तो ये घर जा रहे हैं और यहाँ पे ना हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आने वाली है थोड़ी ही देर में और ये अब पता नहीं कब आएंगे, कब आओगे? जनवरी में घुटू की माला पहुँचाने के लिए, एनिवर्सरी में नहीं आओगे? 7 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी है, शादी सालगिरह, देखते आते नहीं आते, टाइम होगा तो आना नहीं तो फिर जनवरी में। तो लकु भी हमारे साथ यहाँ पे, ये भी गाड़ी का वेट कर रहा है। मैंने रात को ना ब्लॉग भी पूरा नहीं किया क्योंकि रात 11 बजे हमने खा रखा है, इसके बाद नींद आ गई थी फिर सोए गए थे। तो सुबह सुबह ना मस्त मस्त लग रहा, बाकी सब लोग तो सोए हुए, अभी उठे नहीं है, थोड़ी देर में एक करके उठ जाएंगे। और लाइट भी बताने कहा गई भी टाइम में, गली में नहीं है हमारे गली में ना। तो गैस अभी गाड़ी वाला तो आया ही नहीं, हमने सोचा कि सामान निकाल लेते हैं क्योंकि कल ना हमने गाड़ी से सामान ही निकाला था, तो गाड़ी से सामान निकाल लेते हैं और थोड़ी देर में ना गाड़ी वाला भी आ जाएगा, इसके बाद ये भी घर चले जाएंगे। और ये रहा मेरा छोटा भाई, ये रहा सामान, तो हमने सारा सामान यहाँ पे रख लिया है और गुंजन भी हो गया तैयार और गाड़ी भी आ गई है, तो ये जा रहे हैं घर। गाड़ी ना यहाँ पे नहीं आ रखी है, गाड़ी आ रखी है वहाँ पे। बाय करो पापा को। चलो चप्पल छोटे हो गए। तो हस्बैंड जी भी चले गए हैं घर और भाई लोग हैं हॉस्पिटल मम्मी की पर्ची काटने के लिए और बच्चे तैयार हो रहे हैं
और नमन अभी उठाया नहीं है, तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे चाय और बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज के ब्लॉग को बिना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आए। अगर आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद।